दोस्तों वीवो एक बेहतरीन फोन जो है लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में, जो कि होने वाला है वीवो V30। तो ऐसे में दोस्तों वीवो V30 जो है वीवो V30 प्रो के साथ आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो V30 के बारे में, देखेंगे इसका प्राइस, स्पेसिफिकेशन और इंडिया का लॉन्च डेट। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो ऐसे में दोस्तों बता दूं, डिस्प्ले जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। 6.5 इंचेस का जो है ओलिड डिस्प्ले आपको कटआउट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं इसमें गोरिल्ला ग्लास की। तो इसमें गोरिल्ला ग्लास जो है 5 जनरेशन का जो है इसमें यूज किया जाएगा, जो कि काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस करता है। बात करते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट के मामले में। तो ऐसे में बता दूं, इसमें इन द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ अगर बात करूं कैमरे की तरफ दोस्तों, तो ऐसे में कैमरा जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें क्वाइट कैमरा जो है अगेन देखने के लिए मिलेगा वीवो की तरफ से, जो कि होने वाला है 64 मेगापिक्सल, जो कि मेन कैमरा होने वाला है। सुपर वाइट एंगल वाला जो है मेन कैमरा होने वाला है। इसमें आपको GW1 सेंसर जो है देखने के लिए मिलेगा। बात करूँ 13 मेगापिक्सल की, तो सुपर वाइट एंगल फोटोज के लिए जो है इसमें यूज किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फोटो आने वाला है। और बात करूँ इसमें 5 मेगापिक्सल की, तो हाइब्रिड ऑप्टिक जूम के लिए जो है यूज किया जाएगा इसमें। बात करूँ दूसरा कैमरे की, तो ऐसे में 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये टेलीफोटोज के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों फोन साइड कैमरे की। तो ऐसे मैं बता दूं, फोन साइड कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल की आने वाला है, जो कि कटआउट के थ्रू आने वाला है। उसके साथ बात करूं दोस्तों बॉडी के बारे में, तो ऐसे में पॉलीकार्बोनेट का बॉडी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा शेप में आने वाला है। तो ऐसे में कैमरे के जो एंगल होने वाला है बहुत ही डायमंड कट की तरह जो है के सेप जो है होने वाला है। ऐसे में बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर की तरफ। अगर प्रोसेसर की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे में ऑक्टाकोर आपको देखने के लिए मिलेगा। 7th जनरेशन का जो है प्रोसेसर है इसमें, मतलब बोल सकते हो 7 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर काम करता है। और इसमें आपको सैमसंग की तरफ से 980 जो है देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी है और कमाल की परफॉर्मेंस करता है। और 5GB जो है वेरिएंट होने वाला है। तो ऐसे में कमाल की जो है फ़ोन आने वाला है वीवो की तरफ से। साथ ही साथ बात करूँ ग्राफिक कार्ड की दोस्तों, तो ऐसे में एड्रिनो की ग्राफिक मिलेगा 640, जो कि काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देता है और गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों एंड्रॉयड साइट की, तो ऐसे में एंड्रॉयड साइट जो है इसमें एंड्रॉयड 10 को यूज़ किया जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल की बात है और बहुत ही अच्छा जो है सपोर्ट करेगा, बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस देने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस बार परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी की, तो ऐसे में परफॉर्मेंस के साथ बैटरी अगर अच्छा होगा तो तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे में 4500 mAh की इसमें बैटरी मिलेगा, जो कि लायन की तरफ से बैटरी आने वाला है। और इसमें एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, बुक 4.0 के साथ आ रहा है 32 वाट का फास्ट चार्ज। तो ऐसे में भाई बहुत ही जबरदस्त जो है फोन होने वाला है। सबसे पहले बात करो इसकी प्राइस की, तो ऐसे में प्राइस जो है इंडिया में लगभग रखा जाएगा बहुत ही अच्छा प्राइस। और अगर बात करूँ मेरे अंदाज के हिसाब से, मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार के बीच हो सकता है, और ऐसा देख के लग रहा है। और बात करो इसकी लॉन्च डेट की, तो ऐसे में लॉन्च होने वाला है इंडिया में बहुत ही जल्द, 2020 में लॉन्च होने वाला है, फेब्रुआरी को। तो ऐसे में आप बताना क्या इस फोन को लेना पसंद करोगे। अगर लेना पसंद करोगे तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।